So, hello guys, कैसे आप सब? और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे पास है भाई फाइनली IQ 11। Yes, तो इन दोनों फोनों को मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ और आज इन दोनों ही फोनों की टेस्टिंग करने जा रहे हैं भाई असली राजा कौन सा है। और IQ 11 फर्स्ट इंडिया का स्मार्टफोन था जिसमें की स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 आया था। बट उससे पहले स्टार्ट करते हैं IQ 11 के अनबॉक्सिंग के साथ। तो देखो भाई, बॉक्स जो है नॉर्मल हमारे जो IQ के टिपिकल फोन होते हैं उसी तरीके का देखने मिलता है। और एक चीज अच्छी भाई, IQ वाले पूरा भारी भरकम बॉक्स देते हैं, आज भी स्लिम नहीं करा, अच्छी बात है, खाती पीते कर। और हमारे यहाँ पे BMW मोटरस्पोर्ट की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है यार, BMW से प्यार यार काफी ज्यादा। तो यहाँ पे IQ के साथ हमारा रिश्ता पूरा हो जाता है। फोन निकालते हैं, कुछ इस तरीके हमारे को रैप देखने मिलता है। तो पहले अच्छे से निकालते हैं फोन बाहर। ओहो, तो यहाँ पे देखो भाई, ये रहा हमारा BMW ट्राइब के साथ वही हमारा IQ 11। एक बार कैमरा देखो भाई, कितना बड़ा हो गया इस बार कटआउट, काफी सेक्सी लग रहा है फोन। और सही से ये देखो, आपको ना अलग चीज लग रही होगी, दिख रही है? नहीं। तो इसके अंदर जो इस बार बैक है ना भाई, वो सिलिकॉन लेदर की है और आपको वो फील जो है ना अलग ही देती है। मतलब जो इन हैंड फील है बहुत ज्यादा प्रीमियम हो जाती है। और लिटरली बता रहा हूं, जब आप लोग इस फोन को होल्ड करोगे ना हाथ में, ये चीज ना आपको कह के बताने वाली नहीं, आप जब खुद महसूस करोगे इस फोन को तो आपको बस लगेगा सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है ये। चलो फोन की तारीफ बाद में करेंगे ना, पहले और चेक करते हैं बॉक्स में क्या देखने मिलता है। तो IQ का एक थोड़ा सा हमारा मोटर स्पोर्ट BMW वाला वही, और हमारे को यहाँ पे एक सिलिकॉन कवर देखने मिलता है नॉर्मल। और यहाँ पे एक बार कैमरा कटआउट देखो कितना बड़ा है, एक बार फोन के ऊपर थोड़े से कपड़े पहना लेते हैं। वैसे मुझे तो भाई फोन ऐसे यूज करने मजा आ रहा है, लेकिन ओहो, तो कुछ इस तरीके देखने मिल जाएगा, स्क्रैच स्क्रैच से बच जाएगा फोन। और साथ ही यहाँ पे थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी जरूरत नहीं हमारे को। यहाँ पे हमारे को भाई केबल देखने मिल जाती है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है 120 वाट्स की। और 120 वाट्स की फास्ट चार्जिंग के लिए भारी भरकम ब्रेक भी तो चाहिए। तो ये रही हमारी वो भारी भरकम ब्रेक। IQ ना बहुत परफॉर्मेंस फोन होते हैं जो भाई गेमर्स होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट करते हैं। उसके लिए हमारे पास आता है भाई ये हेडफोन जैक टू USB टाइप सी अडैप्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे को बॉक्स में मिल रहा है IQ की ब्रांडिंग वाला, मतलब ओरिजिनल। तो आपको भाई और क्या चाहिए, मतलब अगर आपको हेडफोन लगा के यूज करने वायर वाले तो आप लोग इससे यूज कर सकते हो, काफी बढ़िया। तो ये दोनों फोन को हमने जब यूज करा तो मैंने यार काफी ज्यादा डिफरेंसेस नोटिस करे इन दोनों ही फोन के अंदर। सो पहली चीज आती है, जब आप लोग फोन को देखते हो तो खूबसूरती तो होती होती है, खूबसूरत तो जैसे मैंने बताया BMW के बाद तो भाई हर चीज खूबसूरत बन जाती है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज आती है डिस्प्ले। तो यहाँ पे जो इसकी डिस्प्ले देखने मिलती है, ये अपने आप के अंदर एक बहुत तगड़ी चीज है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे देखने मिल रही है 6.78 इंच की E6 AMOLED डिस्प्ले जो कि 1800 nits तक की पीक ब्राइटनेस देती है। और ये 144 हर्ट्ज के और 2K सपोर्ट करती है। यस, 2K रेजोल्यूशन पे 144 हर्ट्ज चलती है। और सच बता रहा हूं, इसकी डिस्प्ले के जो कलर्स आते हैं बहुत वाइब्रेंट आते हैं। वहीं पे अगर OnePlus 11 में देखो तो आपको E4 AMOLED मिलती है वहां पे, और साथ ही उसमें 1300 nits की पीक ब्राइटनेस सिर्फ और सिर्फ, और वो E4 है। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी आपको ज्यादा बेटर मिल रही है। OnePlus 11 में 120 हर्ट्ज का पैनल है, ये 144 हर्ट्ज का पैनल है। और ये डिस्प्ले E6 होने की वजह से ना ज्यादा एफिशिएंट भी रहेगी, तो आपको जो बैटरी कंजप्शन है वो भी कम रहेगा। अब देखो ये वाला जो फोन है, इसके अंदर आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने मिलती है, लेकिन वहीं पे ना OnePlus 11 में कर्व्ड है। अभी देखो पर्सनल प्रेफरेंस होती है, अगर मैं बोलूं ना तो अगर आप गेमर हो, अगर आप कुछ जैसे हैवी गेमिंग करते हो तो उसमें ना फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा बेटर निकल कर आती है यहाँ पे सामने। और वहीं पे अगर आप इसके अंदर गेमिंग करोगे तो आपको ज्यादा मजा भी आएगा, क्योंकि आपको अच्छे ज्यादा चिकन डिनर्स और किल्स मिल पाएंगे। अब देखो यार, हमने ना इसके ऊपर गेमिंग करी और इसके अंदर आपको जैसे कि पता है IQ के अपने ऑप्शन देखने मिलते हैं, जैसे गेम बूस्टर हो गया वो सब नॉर्मल। लेकिन इसमें इस बार IQ ने यूज करी है V2 चिप। ये V2 चिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको OnePlus या फिर किसी भी अदर फोन में नहीं देखने मिलती। ये चिप हेल्प करेगी आपकी गेमिंग के अंदर और साथ-साथ कैमरास के अंदर। पहली बात करें गेमिंग की, तो आपके जो गेम्स के फ्रेम होते हैं उसको तो पहले बूस्ट कर देती है अप टू 144 हर्ट्ज़, और साथ-साथ गेम के फ्रेम्स को इंटरपोलेट भी करती है। और OnePlus में ऐसा कुछ है नहीं भाई, तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी। और OnePlus के अंदर हमारे को नॉर्मल ग्राफिक चिप देखने को मिलती है जो कि सिर्फ और सिर्फ 120 हर्ट्ज तक इंप्रूव करती है आपके फ्रेम रेट, बट यहाँ पे 144 हर्ट्ज हो जाता है। तो अब जैसे कि हमने गेमिंग की बात करी, तो इसके जो प्रोसेसर देखने मिलता है वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2। दोनों फोन के अंदर Snapdragon 8 Gen 2 देखने मिलता है। दोनों फोन के अंदर UFS 4.0 की स्टोरेज है और साथ ही LPDDR5X रैम है। अब देखो ऑब्वियसली ये प्रोसेसर आपको पता है Snapdragon 8 Gen 2 काफी ज्यादा बड़ा प्रोसेसर है, मतलब भारी भरकम प्रोसेसर है। तो उसके लिए एक भारी भरकम भाई साहब हमारे को कूलिंग सिस्टम भी चाहिए। तो इसके अंदर जो वेपर चैम्बर यूज करा गया है वो भी हमारे को OnePlus 11 से ज्यादा बेटर देखने मिलता है। तो इसके अंदर हमारे को 4013 mm का मिलता है जो कि पूरी आपके अच्छे से ठंडक रखेगा अंदर बरकरार, और आपके फोन के अंदर कोई ऐसी हीटिंग इश्यूज नहीं आएंगे और आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो। हमने भाई इसके ऊपर यही चीज को टेस्ट करने के लिए इसके ऊपर अलग अलग टेस्ट करे, जैसे कि Antutu रन करा, Geekbench रन करा, यहाँ पे गेमिंग करी, और आप देख सकते हो हमारा जो टेम्परेचर टेस्ट था वो भाई ये फोन के अंदर कुछ ज्यादा ऐसे बड़ा ही नहीं। तो ये चीज मेरे को काफी तगड़ी लगी भाई। अब यही नहीं, IQ के अंदर ना और भी अच्छाई है, छोटी छोटी और चीजें होती है ना एनहांस कर देती है आपके प्रीमियम फीचर्स को, जैसे कि एक होती है वाइब्रेशन या फिर हैप्टिक्स। इसके अंदर हमारे को डुअल एक्स एक्सिस लीनियर मोटर देखने मिल जाती है जो कि 1200 हर्ट्ज पर मूव करती है, और वहीं पे OnePlus 11 में सिर्फ और सिर्फ हमारी 1000 हर्ट्ज पर मूव करने वाली मिलती है। साथ ही हमारे को इसमें मोशन कंट्रोल देखने मिलता है, और उसके साथ साथ ड्यूअल मॉन्स्टर टच देखने मिलता है जो आपकी गेमिंग्स को और अच्छा एनहांस कर देंगे। अब फोन जो हमारा बहुत बढ़िया लगा परफॉर्मेंस से लेकर हर एक चीज के अंदर। अब आती है बात एक और, वो है भाई कैमरास की। तो यहाँ पे जो कैमरास अगर आप देखोगे बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े देखने मिल जाते हैं, और ये सच में भाई काफी काम के हैं और आपको मजा आएगा इनको यूज करने में। तो इसमें आपको 50 MP का मेन सेंसर देखने मिलता है, देन यहाँ पे 13 MP का हमारे अल्ट्रावाइड देखने मिलता है, और 8 MP का यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा देखने मिलता है। अब जो फोटो आप लोग देखोगे यहाँ पे अलग अलग तरीके में हमने सिनेरियोज में खींची है और काफी अच्छी लगी ओवरऑल। हमारे को इसमें 4K सुपर नाइट वीडियो देखने मिल जाती है, तो वीडियो के मामले में फोन तगड़ा है, मतलब आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल रहा है। देन इस फोन में OIS तो है ही है, और जो मैंने आपको V2 चिप बताई थी ना स्टार्टिंग अंदर गेमिंग के टाइम पे, वही सेम चिप ना यहाँ पर भी इस्तेमाल होती है। बेसिकली कैमरा की जो ओवरऑल पोस्ट प्रोसेसिंग है उसको एनहांस कर देती है आप लोग नॉर्मल
नाइट में शॉट लोगे, डे में शॉट लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे एनहांस मिलेंगे वो। बाकी आप लोग यहाँ पे काफी ज्यादा हमने जो सैंपल्स अलग अलग खींचे एक बार चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कैसी फोटो इस IQ 11 से आ रही है भाई। ये जो V2 चिप है ना हमारी, ये सेम चीज आपको OnePlus 11 में नहीं देखने मिलती, जिसकी मदद से IQ 11 जो है 4K सुपर नाइट वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है जो आप OnePlus 11 में नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात बताई थी आपको भाई, इस फोन के अंदर 120 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है, तो 50% जो है ये फोन ऑलमोस्ट 8 मिनट में चार्ज हो जाता है, और ऊपर से भाई 5000 mAh की बैटरी है। अब मुझे लग रहा था भाई इसका जो बैटरी बैकअप होगा थोड़ा ऐसी होगा, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस देखा तो भाई स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 2K डिस्प्ले 144Hz मतलब ऐसे ऊपर, लेकिन जब बैटरी बैकअप की बात आई भाई साहब वो भी क्रेजी है। मैं इस फोन को जब यूज कर रहा लिटरली बता रहा हूं, मैं इसको फोन को चार्ज करना भूल गया एक दिन, और मैंने जब अगले दिन देखा तो ये फोन अराउंड 40% पे था भाई एक दिन के फुल तगड़े यूजेज के बाद, और मुझे लगा भाई ये फोन तो बड़ा भयंकर है। तो इस फोन के अंदर पूरी ओवरऑल जो ऑप्टिमाइजेशन करी गई वो तगड़ी है। बट वहीं पर जो OnePlus 11 है उसके अंदर हमारे को 100 वॉट्स की चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि फोन को ऑब्वियसली थोड़ा स्लो चार्ज करेगा। बाकी देखो यार आप लोग बोलोगे भाई सॉफ्टवेयर कहता है फोन का, वो भी बहुत मैटर करता है। तो भाई IQ ने इस बार सॉफ्टवेयर को बहुत क्लीन रखा, और मैं सच बता रहा हूं जब फोन को लाइक निकाला था ना बॉक्स से तो आपको इसमें फ्रंट टच OS देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत क्लीन है भाई, इसमें कोई ब्लोटवेयर नहीं है। तो देखो फोन को हमने अच्छे से टेस्ट कर लिया है, और अगर आपको भाई निष्कर्ष बताऊं इस वीडियो का, तो अगर आपको एक पावरफुल फोन चाहिए ना जो कि आपको एक अच्छे बजट में और साथ बढ़िया फीचर के साथ देखने को मिले, तो भाई IQ 11 वन वे है भाई, जाके मस्त है खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएंगे, और अच्छे से जाके भाई मजे से इसको फोन को लो, बढ़िया मजा आएगा, आपको काम भी बढ़िया चल जाएगा। सो बस यार यही थी हमारी IQ 11 की वीडियो, तो डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब करो चैनल को, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके गाइस बाय बाय।